हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। मनपा के एनडीएस दस्ते ने प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैली की जब्ती की कार्रवाई की। सतरंजीपुरा जोन में टीम ने तेलीपुरा स्थित चेतन प्लास्टिक के गोदाम में छापा मारकर 1500 किलो थैलियां जब्त की और 35,000 रुपए जुर्माना ठोका। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई के बाद अन्य दो प्रतिष्ठानों पर भी छापा मारा गया। कुल 45,000 रुपए दंड वसूला। लक्ष्मीनगर जोन में हिंगना टी पॉइंट स्थित फ्यूल स्टेशन कैफे एंड रेस्टोरेंट द्वारा खराब व बचा हुआ अन्न रोड के किनारे फेंका गया था। उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। गांधीबाग अंतर्गत शहीद चौक इतवारी में नसीम प्लास्टिक के खिलाफ प्रतिबंधित प्लास्टिक थैली उपयोग पाए जाने पर 5,000 रुपए दंडात्मक कार्रवाई की गई। एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। उन्होंने चेतावनी दी कि आगे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। ऑल इंडिया स्टेशनर्स मास्टर्स एसोसिएशन ने विभिन्न मांगों को लेकर 31 मई को सामूहिक हड़ताल का आह्वान किया है। रेलवे स्टेशन मास्टर्स की कई मांगे पिछले कई सालों से लंबित है। रिक्तियों की संख्या बढ़ने से काम का बोझ बढ़ गया है। अगर रेलवे बोर्ड इन सभी पदों को तुरंत भर देता है तो काम का तनाव कम हो जाएगा। मुख्य रूप से रेलवे स्टेशन मास्टर्स यूनियन ने बार बार अपनी मांगों पर ध्यान दिलाया है, फिर भी इसकी अनदेखी की जा रही है। स्टेशन मास्टर्स के लिए सुरक्षा और भत्ता, रेलवे के निजीकरण को बंद करने, नई पेंशन योजनाओं को बंद करने और पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू करने आदि की मांग को लेकर सामूहिक अवकाश आंदोलन होगा। इससे रेल यातायात प्रभावित होने की संभावना है। रेलवे स्टेशन मास्टर्स के रिक्त पदों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इससे कई समस्याएं पैदा हो गई है। रेलवे एसोसिएशन ने मांग की है कि रात की सीमा बढ़ाकर 43,600 रुपए करने के आदेश को रद्द किया जाए और 1 जनवरी 2016 से एमएससीपी का लाभ दिया जाए। इस संबंध में रेल प्रशासन से बातचीत करने के बाद भी समाधान नहीं निकला, इसलिए नागपुर रेलवे स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि सामूहिक अवकाश पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। भीषण गर्मी से विद्युत उपकरण खराब होना, लाइन ट्रिप होना, कूलर में खराबी जैसी अनेक समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। मांग और पूर्ति के नियम के अनुरूप काम ज्यादा और आदमी कम होने से मार्केट में इलेक्ट्रिशियन का अभाव महसूस हो रहा है। इतना ही नहीं, आवश्यक सेवाओं के लिए मुंह मंगा दाम देने के बावजूद समय पर लोग नहीं मिल रहे हैं। शादियों और छुट्टियों का दौर होने से कई इलेक्ट्रिशियन शहर में नहीं है, इससे मामला और बिगड़ गया है। आम जनता को तो हर तरह के कहर झेलना पड़ता ही है। कूलर या पानी की मोटर में खराबी या फिर सादा स्विच ही क्यों न बदलना हो, पूरे काम के 1,000 से 1,500 तक मेहनताना लिया जा रहा है। लगने वाला इलेक्ट्रिक का सामान अलग, लोग तो बस भीषण गर्मी में पंखे या कूलर खराब होने से त्रस्त है और मुंह मांगी कीमत भी देने को तैयार है। बावजूद इसके इलेक्ट्रिशियन की उपलब्धता का इंतजार करना ही पड़ रहा है। नागपुर यूनिवर्सिटी द्वारा अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के साथ डिप्लोमा कोर्सेज के परीक्षाओं की तिथि के बारे में क्लियर बात न करने पर छात्र और अभिभावक असमंजस में है। इससे उनकी परीक्षा की तैयारियों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कई छात्रों की पढ़ाई की तैयारी भी धीमी पड़ गई है। विद्यार्थियों का कहना है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन को अपनी बात रखनी चाहिए। उन्हें यह बताना चाहिए कि परीक्षाओं के कार्यक्रम में समय क्यों लग रहा है, उसके कारण क्या है और कब तक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो जाएगी, जिससे छात्र अपनी बाकी की तैयारियां पूरी कर सके। शहर में कई ऐसे छात्र हैं जो विश्वविद्यालय से कोर्स करने के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए दूसरे शहर जाना है। कई छात्र वर्तमान में तैयारी कर भी रहे हैं, वो आगे करियर के लिए दूसरे प्रदेशों की नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। वही कुछ सिविल सेवा जैसी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए दिल्ली का रुख करने की प्लानिंग बना रहे हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रबंधन द्वारा परीक्षाओं को लेकर स्पष्ट रुख न होने से वे असमंजस में है। वही बच्चों को उदास देख अभिभावक भी परेशान है। बीते कुछ दिनों से सिटी में बत्ती गुल होने का सिलसिला जारी है, जिससे नागरिक परेशान हो रहे हैं। हर दिन अलग अलग इलाकों में बिजली उपकरणों में आ रही खराबी से सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर विभाग ने पूर्व तैयारी की या नहीं। कई केबल जल रहे हैं तो कई ट्रांसफार्मर फेल हो रहे हैं, कई सीटी टूट रही है तो कई बार बार ट्रिपिंग हो रही है। कुछ इलाकों में तो नागरिक बिजली की आंख मिचौली से हलाकान हो गए। शुक्रवार की रात करीब 3:30 बजे तो मनीष नगर इलाके में जयदुर्गा लेआउट 3 में अचानक बत्ती गुल होने से नागरिकों की नींद खुल गई। पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई थी, संबंधित बिजली कार्यालय में कोई जवाब देने वाला नहीं था। नागरिकों ने बताया कि रात 3:30 बजे गहरी नींद के समय बत्ती गुल हुई तो फिर दूसरे दिन शनिवार को दोपहर 4 बजे ही लाइट आई। 12.5 घंटे बिना बिजली के लोग हलाकान हो गए। पंखे, कूलर, एसी सब बंद होने से घर के भीतर ही गर्मी से जूझते रहे। नियमित दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई। मोबाइल, लैपटॉप चार्ज नहीं होने से काम नहीं हुए।
पानी की मोटर बंद, लिफ्ट बंद, फ्रिज बंद होने से बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं सभी परेशान रहे और महावितरण को कोसते रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की संकल्पना से नागपुर में हुए खासदार क्रीड़ा महोत्सव में पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान पद्मश्री धनराज पिल्ले ने बास्केटबॉल टूर्नामेंट के दौरान शनिवार को न्यू इंडिया यूथ एसोसिएशन बजाज नगर के बास्केटबॉल कोर्ट का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने मैच का लुत्फ उठाया, खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। नागपुर जिला बास्केटबॉल संघ के सचिव भावेश कंचनवार एवं न्यू इंडिया यूथ एसोसिएशन के सचिव संदीप दुरुपकर ने पद्मश्री धनराज पिल्ले का फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर नागपुर जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारीगण उपस्थित थे। उत्तर भारतीय सभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री ने 22 मई को मोर भवन में होने वाली पुलिस कर्मियों के सत्कार समारोह के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस अवसर पर मुख्य रूप से उत्तर भारतीय सभा के विदर्भ अध्यक्ष डीबी सिंह, जिला अध्यक्ष राम प्रताप शुक्ला वाड़ी, अध्यक्ष प्रवीण सपना जिजोतिया, इंद्रसेन सिंह, टीपी तिवारी, अक्षय चौधरी, मोतीलाल साहू, चंद्रकुमार साहू, नितिन मिश्रा, मनोज सोनी, जयप्रकाश पांडे, आकाश सक्सेना, सचिन शर्मा, सुरेश पांडे, वीरेंद्र शुक्ला आदि उपस्थित थे। मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने चंद्रपुर हिंगनघाट और वर्धा बटनेरा सेक्शन का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के पश्चात चंद्रपुर स्टेशन का निरीक्षण किया और चंद्रपुर स्टेशन की भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। ZRUCC DRUCC के प्रतिनिधियों के साथ हंसराज अहिर ने महाप्रबंधक से मुलाकात की और यात्रियों की मांगों से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य अभियंता, प्रधान मुख्य सिग्नल और दूरसंचार अभियंता, प्रधान मुख्य यांत्रिक अभियंता, प्रधान मुख्य विद्युत अभियंता, प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, नागपुर की मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। कलामंच के तत्वावधान में पक्षियों के सेवा की परंपरा जारी है। इस वर्ष के तीसरे चरण का शुभारंभ देवता लाइफ फाउंडेशन के अध्यक्ष किशोर बावने के हस्ते किया गया। उनका शॉल, श्रीफल, मिट्टी के पात्र और पक्षियों के खाद्य बाजरा प्रदान कर सत्कार किया गया। इस अवसर पर धर्मपेट महिला सहकारी बैंक की अध्यक्ष नीलिमा बावने, सीए सुधीर बाहेती एवं समाज सेविका कस्तूरी बावने की विशेष उपस्थिति रही। कलामंच परिवार के संस्थापक नरेंद्र सतीजा ने बताया कि पिछले 3 दशकों से शीत ऋतु में कंबल एवं गर्मियों में पक्षियों हेतु मिट्टी के पात्र व बाजरा, कनकी, चावल आदि का वितरण नियमित रूप से जारी है। इस प्रकल्प में श्रीचंद चावला, यशपाल बुद्राजा, अनिल मालोकर, डॉक्टर आशीष मोदी, अनिल खत्री, विपिन लुथरा, डॉक्टर रवि गिरे, डॉक्टर रेणु बाली, करण गई, लकी हरद्वानी आदि से सहयोग मिलता रहा है। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड का टीका उपलब्ध होगा। टीका सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की परिकल्पना के अनुसार नागपुर में हो रहे खासदार क्रीड़ा महोत्सव के तहत रविवार को बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। मध्य नागपुर के विधायक विकास कुंभारे ने रिबन काटकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व महापौर संदीप जोशी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र फडणवीस, नागपुर शहर भाजपा उपाध्यक्ष बंडू राउत, मध्य नागपुर महासचिव डॉक्टर विनायक देहनकर, सचिव विदर्भ ओलंपिक संघ के डॉक्टर श्रीकांत वरनकर, विदर्भ पावरलिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव सचिन मातने, सामाजिक कार्यकर्ता श्रीकांत देशपांडे, विजय घाटे, डॉक्टर विवेक अवसरे, सुधीर अभ्यंकर, दिनेश चावरे, अनिल गुरनुले, पराग पाठक, लक्ष्मीकांत मेश्राम, आनंद डाबरे, संदीप मोहतो, अखिलेश पांडे, महेश सावरकर आदि उपस्थित थे। टूर्नामेंट के दौरान विधायक मोहन मते ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर खिलाड़ियों से बातचीत कर उनका उत्साहवर्धन किया। अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझने वाले रेलवे स्टेशन के समीप जयस्तंभ चौक को इस समस्या से जल्द छुटकारा मिलेगा। संभावना है कि आगामी जुलाई माह के अंत तक रेलवे स्टेशन का यह उड़ान पुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस उड़ान पुल के शुरू होने के बाद ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। इस पुल का निर्माण महामेट्रो की ओर से किया जा रहा है। इस उड़ान पुल के तैयार होने के बाद मेयो अस्पताल की ओर से आने वाला यातायात जयस्तंभ चौक पर उतरे बिना ही पुल से सीधे कस्तूरचंद पार्क की ओर निकल जाएगा।
इस पुल का कार्य 80% तक पूर्ण होने की जानकारी संबंधित अधिकारियों ने दी है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए ज्यादातर समस्या मेयो अस्पताल, कस्तूरचंद पार्क और मानस चौक से आने वाले नागरिकों को होती है। उन्हें जयस्तंभ चौक होकर ही आना होता है। इसी प्रकार स्टेशन से शहर के भीतर जाने वाले यात्रियों को भी जयस्तंभ चौक होकर जाना पड़ता है। आने वाले और जाने वाले यात्रियों का जमावड़ा जयस्तंभ चौक पर ही होने से यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है। जयस्तंभ चौक के एक और SECR और सेंट्रल रेलवे के नागपुर मंडल का कार्यालय है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अवधारणा से नागपुर में चल रहे खासदार क्रीडा महोत्सव में रविवार को आयोजित साइकिलिंग प्रतियोगिता में दिगंत बापट और संजना जोशी ने 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिका वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 15 किलोमीटर की दौड़ में दिगंत ने 29 मिनट 50 सेकंड का समय दर्ज किया। संजना ने 12 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट 10 सेकंड में तय कर रेस जीती। अंडर 15 आयु वर्ग में दिविजय शाहू ने 23 मिनट 48 सेकंड में 12 किलोमीटर दौड़कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। लड़कियों की 5 किलोमीटर दूरी की स्पर्धा में अदित्री परसिया ने 14 मिनट 27 सेकंड में दौड़कर पहला स्थान हासिल किया। लड़कों की 8 किलोमीटर की दूरी की स्पर्धा में देव नन्नावरे ने 17 मिनट 2 सेकंड में दौड़कर और श्रीजा वानखेड़े ने 14 मिनट 41 सेकंड में दौड़कर पहला स्थान हासिल किया। दीक्षा भूमि से रेंडोनियर साइकिल खिलाड़ी समीर लोही ने स्पर्धा की शुरुआत के समय हरी झंडी दिखाई। सुप्रसिद्ध शेफ विष्णु मनोहर, डॉक्टर रोहिणी पाटिल, डॉक्टर सुरेश चारी, खासदार क्रीडा महोत्सव के संयोजक पूर्व महापौर संदीप जोशी के हाथों विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। अंडर 18 में 15 किलोमीटर की दूरी 29 मिनट 50 सेकंड में पूरी करने के बाद मुंडले स्कूल के दिगंत बापट ने पहला स्थान हासिल किया। मेरुदंड, स्नायविक तथा अस्थि कंकालीय समस्याओं का औषधि विहीन योगाभ्यास और फिजियोथेरेपी से समाधान व व्यवस्थापन कर आरोग्य क्षेत्र में गत 35 वर्षों से उल्लेखनीय कार्य करने हेतु योग थेरेपिस्ट विजय गुप्ते को उनके योगदान के लिए जीरो माइल आइकॉन अवार्ड 2022 आरोग्य रत्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व मंत्री रमेश बंग, विधायक विकास ठाकरे, डॉक्टर आचार्य, डॉक्टर उदय बोधनकर, किशोर कन्नेरे, अनिल अहिरकर, राजा टाकसाले, नरेंद्र सतीजा, डॉक्टर प्रवीण डबली, डॉक्टर दीपक लालवानी, दोस्तों रुगवानी, डॉक्टर आनंद शर्मा, विद्या शर्मा, प्रताप मोटवानी उपस्थित थे। जीरो माइल हिंदी साप्ताहिक की वर्षगांठ पर उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। योग थेरेपिस्ट विजय गुप्ते को उनके इस सम्मान पर डॉक्टर गिरधर हेड़ा, डॉक्टर योगेश्वरी डबली, डॉक्टर अजय प्रधान, सुरेश कुलकर्णी, वसंत पालीवाल, किशोर अग्रवाल, वरदा गुप्ते सहित अनेक शुभचिंतकों ने अभिनंदन किया। मराठा सेवा संघ, जिजाऊ ब्रिगेड तथा संभाजी ब्रिगेड के संयुक्त तत्वावधान में संभाजी महाराज जयंती त्रिमूर्ति नगर स्थित संस्था के कार्यालय में मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य रूप से मराठा सेवा संघ के संस्थापक पुरुषोत्तम खेड़ेकर, शिव व्याख्याता प्रोफेसर प्रवीण देशमुख, जमाते इस्लामी हिंद के वाजिद अली खान, मराठा सेवा संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप खोड़के, कार्याध्यक्ष श्याम डहाके, जिजाऊ ब्रिगेड की सुनीता जिचकार, संभाजी ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष प्रताप पटले, सामाजिक कार्यकर्ता वृंदा ठाकरे, अंशुल जिचकार प्रमुख रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि शिव व्याख्याता प्रवीण देशमुख ने संभाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संभाजी महाराज जैसे शस्त्र एवं शास्त्र निपुण व्यक्ति इस दुनिया में कोई दूसरा मिलना मुश्किल है। 8 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। 14 साल की आयु में उन्होंने बुद्धभूषण नाम का एक आदर्श ग्रंथ भी लिखा। वे एक आदर्श राजा थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में मराठा सेवा संघ तथा पदाधिकारियों ने अथक प्रयत्न किए। अध्यक्ष डॉक्टर दीपेन अग्रवाल और चेयरमैन मोहन गुरनानी के नेतृत्व में चेंबर ऑफ एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र इंडस्ट्री एंड ट्रेड कमेटी के साथ बॉम्बे मेटल एक्सचेंज और मेटल रिसाइकलिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर कराड़ का स्वागत कर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम CGST अधिनियम की धारा 16/2 के कारण व्यवसायी समुदाय के सामने आने वाली कठिनाई पर प्रकाश डालते हुए ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर कराड़ से गैर लौह धातु के लिए पुनर्चक्रण नीति तैयार करने का भी अनुरोध किया गया ताकि परिपत्र अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। डॉक्टर दीपेन अग्रवाल ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के संबंध में समय समय पर उठाए गए व्यापारिक समुदाय की चिंताओं को दूर करने में सरकार द्वारा दिखाई गई संवेदनशीलता की सराहना करता है। CGST अधिनियम 2017 की धारा 16 के प्रतिकूल प्रभावों पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि यह GST कानूनों के सबसे कठोर और डरावने प्रावधानों में से एक है और यह ईमानदार करदाताओं के लिए दुस्वप्न है।
आशादीप द्वारा मसाज चिकित्सा प्रशिक्षण दृष्टिबाधितों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रशंसनीय कदम है। उक्त विचार प्रशिक्षण के वैदिक कार्यक्रम के दौरान IMA नागपुर अध्यक्ष डॉ. प्रकाश देव ने व्यक्त किए। दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए यह विशेष प्रशिक्षण आशादीप अपंग महिला बाल विकास संस्था के दिव्यांग प्रेरणा केंद्र द्वारा विदर्भ संशोधन मंडल के सहयोग से आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण शिविर की अध्यक्षा प्रतिमा शास्त्री ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने दृष्टिबाधित प्रशिक्षक अजय कलसी को प्रशिक्षण के अपने विशेष तरीकों के लिए और सभी प्रशिक्षुओं को बधाई दी। अजय ने संतोष व्यक्त किया कि आशादीप के सहयोग से नागपुर में ऐसा प्रशिक्षण संभव हो सका है। इस अवसर पर संस्था के सलाहकार एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रकाश देव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नागपुर चैप्टर के अध्यक्ष चुने जाने पर सम्मानित किया गया। डॉक्टर देव ने कहा कि दिव्यांगों को कई और अवसर प्रदान करने के लिए प्रशिक्षुओं के साथ साथ संगठन भी फलता फूलता रहेगा। उन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के चिकित्सा उपचार का समर्थन करने का भी वादा किया। उन्होंने आशादीप स्वास्थ्य एवं पोषण केंद्र की भागीदारी के साथ सामुदायिक पोषण के लिए सहयोगात्मक गतिविधि का भी उल्लेख किया। अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार शाखा महल और गुरुभक्त परिवार द्वारा भारत गौरव राष्ट्रसंत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 52वें स्वर्णिम अवतरण दिवस पर महावीर नगर स्थित पुलक मंच परिवार के कार्यालय में गुरु गुणगान भक्ति संध्या का आयोजन किया था। भक्ति संध्या में सुप्रसिद्ध संगीतकार सुनील आगरकर, ऋषभ आगरकर के संगीत संयोजन में पंकज खेड़कर, राजेंद्र सुनटक्के, अतुल खेड़कर, प्रतीक जैन, मोना काले, प्रभाकर राव डाखोरे, पंकज बोरा, जितेंद्र गड़ेकर, सुनील आगरकर, ऋषभ आगरकर, निकिता मुधोलकर, प्रिया बंड, मयंक बंड ने गुरु भक्ति से समर्पित भजन प्रस्तुत किए। इस अवसर पर श्री दिगंबर जैन महासमिति में प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत होने पर नितिन नखाते, प्रदेश महामंत्री दिलीप सावलकर, प्रदेश कोषाध्यक्ष नरेश कासलीवाल का शॉल, धर्म दुपट्टा, मोतियों की माला, मोमेंटो, किताब देकर सम्मानित किया गया। संचालन राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड ने किया। भक्ति संध्या में शरद मचाले, मनोज मांडवगढ़े, नितिन पलसापुरे, विजय कापसे, प्रशांत सवाने, मनोज सावलकर, किशोर कहाते, प्रकाश उदापुरकर, उमेश फुलंबरकर, रविंद्र महात्मे, सविता मांडवगढ़े, नमिता उदयपुरकर आदि उपस्थित थे। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 3054 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 2,21,000 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 9,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 6 मामलों में 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 5,00,000 रुपए का सामान जब्त किया गया है। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। 19 अप्रैल से 17 मई तक बाल कला अकादमी और स्वानंद नाट्य कला मंदिर के सौजन्य से आयोजित बाल नाटक और व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन कल 17 मई को सुबह 8:30 बजे होगा। हिंदू बालिका विद्यालय महल में होने वाले इस समापन समारोह की अध्यक्षता स्त्री शिक्षण प्रसारक मंडल के अध्यक्ष रविंद्र फडणवीस करेंगे। सिने निर्देशक और अभिनेता नरेंद्र शिंदे मुख्य अतिथि होंगे। ब्लूमिंग किड्स की निदेशक सीमा फडणवीस, बालकला अकादमी की उपाध्यक्ष रश्मि फडणवीस, स्वानंद सांस्कृतिक मंडल के सचिव रोशन नंदवंशी, हिंदू बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका माया बमनोटे और प्राथमिक विभाग की प्रधानाध्यापिका रेखा डोमके समेत अन्य मान्यवरों की उपस्थिति होगी। एक महीने तक चलने वाले इस शिविर को बेहतरीन प्रतिसाद मिला है और नाट्यकला के विभिन्न पहलुओं को पेश करने के अलावा बच्चों के व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान दिया गया। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।